Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum everybody. Perhaps this is the first occasion of my life that I have visited a hospital like this, you know. Reason being, of course, Asad Quraishi. Two people whom I can't say no at all. And the player I got when I entered into the hospital was, it was such a neat and clean hospital in such a vicinity which I didn't expect actually. That's great, whosoever have done this all, credit goes to him or her, whosoever that is. Look, most important thing what I have seen in my life, our society is now living two groups. People who are earning halal and people who are absolutely corrupt. Had they not been corrupt, we would have not been begging for the people. We would have not been asking for the funds. And there had been an automacy in helping out the people, poor people. The word poor, I hate, you know. Main aap sab logon ko ek arz karun. Zindagi mein, I was a very poor child once upon a time. But I never believed it. The poverty ka matlab hota hai, aapki jeb mein paise nahi. Poverty kamzarfon ke paas hoti. Kamzarf hote hain gareeb. Zarf wale log कभी गरीब नहीं होता। यहाँ हमारे लूटे हुए पैसों से तिजोरियां भरकर बिलियनियर बनने वाले इतने गरीब लोग हैं कि खुदा जानता है मुझे कभी 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 इन पे तरस आता है। उनको कोई नहीं जानता, उनको कोई नहीं मानता। तो बेस्ट इज दिस, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं चाहूँगा, जो मैं बिफोर दैट के मैं आपकी सारी एफर्ट में मैं कहूँ कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप सब लोग जो हैं मेहरबानी करके आप उस पर्टिकुलर मकाम पर पहुँचे, क्योंकि रियासतें 74 साल से, सियासत आपको 74 साल से ये साबित नहीं कर पाई कि वो दे कैन रियली कोप विद सच पीपल, सच करप्ट एलिमेंट्स। और मैं बीइंग एन स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आपको बताऊं कि आपके यहाँ हैव्स और हैव नॉट्स की इतनी बड़ी खलीज हो चुकी है कि करप्ट लोग इतने बेहिस हो चुके हैं कि दे हार्डली थिंक अबाउट व्हाट द हेल इज़ हैपनिंग टू द पुअर पीपल। ये आप लोगों का बड़ापन है। और ये मैं आपको बताऊं, ये ज़र्फ इनहेरिटेड होता है, ये आपकी ये दुआएं जो हैं बहुत बाद में आती हैं, आपका ईमान जो है वो सबसे पहले आता है। अगर आपका ईमान पक्का है एंड यू आर रेडी टू हेल्प आउट पीपल, बल्कि मैं हेल्प आउट का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करता, ये पैसा, ये शोहरत, ये दौलत, ये सब मिल्कियत है अल्लाह पाक की। आपके अकाउंट में एक बिलियन रुपया पड़ा हो तो वो खा नहीं लेना आपने, दैट इज़ ओनली पीस ऑफ पेपर। दैन आपने खाना क्या है, वही जो एक ऑर्डिनरी आदमी खाता है या उससे कुछ ज़्यादा, एक महंगा शेफ ले लेंगे आप। इस मिल्कियत को जब आपको नवाजा जाता है, आपको चुना जाता है कि मैं आपको इतने पैसे दे रहा हूँ, इसको बांटो। बांटने के 10 तरीके हैं, आप लोगों को एम्प्लॉय करें। एम्प्लॉयमेंट से बड़ी फंडिंग कोई नहीं है दुनिया में, याद रखिए। व्हेन यू एस्टैब्लिश ऑफिसेज, बिजनेसेस, हॉस्पिटल्स, यू हायर पीपल, खुदा की कसम खा के कहता हूँ उससे बड़ी खैरात कोई नहीं है। अगर आप उसको खैरात कहते हैं, आप जेन्युइनली लोगों को एम्प्लॉय कर रहे होते हैं और वो हलाल अर्न कर रहे होते हैं, पहली बात। एक मैं आप लोगों से, इट इज़ आउट ऑफ द टॉपिक, आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा। वक्त सबके पास थोड़ा है, 74 साल हम ज़ाया कर चुके हैं। अगली डेकेड्स अगर हमारी बैगर्स की तरह गुजरती हैं तो वी आर नॉट डूइंग एनी जस्ट कंट्री इन दिस टू दिस सॉइल। अब आपको सोशल बायकॉट करना होगा हराम कमाने वाले का, लुक डाउन अपॉन हिम, उससे हाथ मिलाना, उसको अपनी सोशल एक्टिविटीज में बुलाना बंद कीजिए। पुलिस अदलिया कुछ करने जो कि नहीं है, ये आप देख चुके हैं। हमारे सर पर नाच रहे हैं वो लोग जिन्होंने हमारे बिलियन चुराए हुए। खुदा के वास्ते, मुसलमान होने की
और एक अच्छे पाकिस्तानी होने की और एक अच्छे उम्मती होने की निशानी है कि उन लोगों को रिस्पेक्ट दीजिए जो हलाल की आधी रोटी कमा के लाते हैं। गिव देम रिस्पेक्ट एंड प्राइड। जाहिल बिलियनियर को सरपंच बनाने से बेहतर है एक गरीब आदमी को जो इंटेलिजेंट इनाफ है, एजुकेटेड इनाफ, उसको इज्जत दीजिए। वो इज्जत आप नहीं देंगे तो आपके बच्चों को नहीं मिलने वाली। हमने नस्ल दर नस्ल बेइंसाफियां की, उनकी सदाएं भुगत रहे हैं आज। हमारी हजार साल परवरिश हुई है रियाया की सूरत में, आज भी आप रियाया हो, जमहूर नहीं बने हो आप। ये मेरी दरख्वास्त है। बिफोर दैट आई शुड से आई लव कमिंग ओवर हियर। आई एम हैप्पी एक ऐसे इलाके में, एक ऐसा अच्छा हॉस्पिटल है जहाँ अंदर दाखिल होते ही एक साई ऑफ रिलीफ हुआ मुझे। और मैं जितनी मेरी औकात है अंटिल आई डाई आई विल बी विद यू मजीद साहब एंड विद यू ऑल पीपल। थैंक यू वेरी मच।